रिपोर्ट की जाती है और मौके पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली अग्निशमन विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। और हालांकि जिस तरीके से अभी फायर ऑफिसर ने बताया कि किसी भी तरह की कैजुअल्टी नहीं है और लगभग 22 फायर टेंडर्स यहाँ पर ऑन द ड्यूटी डिप्यूट किए गए ताकि आग पर काबू पाया जा सके। तो आगे और जितने कुछ डेवलपमेंट होती है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। हमें कॉल मिली थी कि एक शोरूम में आ गया करोल बाग के अंदर। इनिशियली 3 गाड़ी हमने मौके पे भेज दी थी, फिर यहाँ पे हमने आके देखा कि कुछ आदमी फंसे हुए थे तो उसमें 2 गाड़ियाँ और भेजी। फिर हमारे ऑफिसर ने फायर को अपग्रेड करके मेक 6 कर दिया। 5:35 पे मेक 6 कर दिया गया और अब आग हमारे कंट्रोल में है। 22 गाड़ियाँ हमारी मौके पे हैं। कोई हताहत होने, किसी घायल होने की कुछ अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं है। 4 हमने जो आदमी वो निकाले हैं इसमें से। 4 आदमी थे उसमें, 4 जो निकाले गए फायर ब्रिगेड द्वारा। नहीं, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है बट मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट सर्किट ही रहता है, बट उस बारे में अभी कमेंट नहीं कर सकते। सर, जो 4 लोग निकाले गए थे क्या वो सुरक्षित है? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। उनको कोई इंजरी वगैरह कुछ भी चोट वोट नहीं है। किस चीज का शोरूम है ये अभी डिटेल्स हमें नहीं मिली है, बाकी रेडीमेड गारमेंट्स का है। कितने फ्लोर